सो गाइस एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस इस वीडियो का मेरा मकसद यही है कि मतलब मैं आपको समझा पाऊँ कि आईडीज कैसे हैक होती हैं, क्यों हैक होती हैं, ज़्यादातर लोगों की मतलब आईडीज क्यों हैक होती है, मेरे पास रोज के मतलब 5-6 बंदे क्यों आते हैं कि मेरी आईडी हैक हो गई है, मुझे दिलवा दो। आज मेरे ग्रुप में फिर से एक और प्लेयर आया और कहता मेरी इस बंदे ने आईडी हैक कर ली है, इसे फ़ोन करो, इसका फ़ोन नंबर है, ठीक है। होता क्या है तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाऊंगा और तुम्हारे भाई की भी आईडी हैक होने से बची है कल के दिन, ठीक है गाइज। तो ये वीडियो पता नहीं मैं अब कब डालूंगा, कल के दिन डालूंगा, ठीक है। तो मैं आपको डेट ही बता देता हूँ गाइज, ये डेट है जो आज कितनी तारीख है गाइज, आज है 18 और 17 तारीख को तुम्हारे भाई की आईडी हैक होने से बच गई। तो गाइज मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है तो गाइज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, तुम्हारा भाई लाइव आता रहता है, ठीक है। तो गाइज होता यूँ है कि आपका एयर ड्रॉप आता है, ठीक है, आप किसी यूट्यूबर को देते हो। गाइज यहाँ तक तो मेरे पास खबर ये भी है कि लोकेश गेमर ने आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया, मतलब आईडी दी बंदे ने कि यहाँ पे मतलब सब्सक्राइबर का अकाउंट है ना, वो हर बार सब्सक्राइबर के अकाउंट में मतलब वो कितना कुछ खरीद देते हैं। तो वैसे किसी सब्सक्राइबर ने, मेरा दोस्त है, मतलब खास फ्रेंड है, ठीक है, इंस्टा पे है, मतलब मेरे घर के पास रहता है, ठीक है। तो उसने कहता है कि मैंने लोकेश गेमर को मैंने दिया था अपनी आईडी, ठीक है, मेरे को लगा झूठ वाला है, तो पर उसने कंफर्म कर दिया था मुझे। कंफर्म कैसे किया उसने, मतलब पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा और कहता मैंने वीडियो कॉल पे भी बात की थी। तो गाइज उसने वीडियो कॉल पे बात करके अपनी आईडी दी और लोकेश भाई ने एक पासवर्ड चेंज कर दिया, मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता ना, ये तो नहीं मानता। चलो तो दूसरी बात ये रही कि मेरी आईडी कैसे होने से बची। गाइज मेरा आया था एयर ड्रॉप, ठीक है, और वो मेरा मेन जीमेल है जिसपे मैं सारे काम करता हूँ, ठीक है। तो गाइज हुआ क्या, मैंने अपना जीमेल पे मेरा अकाउंट है, ठीक है, मतलब आईडी है, मतलब मेरी आईडी है। तो गाइज मेरा एयर ड्रॉप आया था 30 रुपीज़ का, और मैंने एक बंदे को बोला, मतलब 2 या 3 दिन से बात होती थी उस बंदे से, सिर्फ 2 या 3 दिन से, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई कॉल नहीं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कहा कोई, मतलब मैंने पूछा पहले, तो मैंने पूछा कि कोई आईडी के साथ तो कोई गलत तो नहीं होगा ये वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरे को तो एयर ड्रॉप चाहिए था ना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तुमको पता है किसी का भी एयर ड्रॉप आया था तो वो किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को बिना सोचे समझे अपनी आईडी दे देता है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो मैंने भी यही कुछ किया, मैं सोचा नहीं और मैंने आईडी अपनी दे दी, ठीक है। आईडी दी नहीं, मतलब मैंने भी थोड़ी सी चलाकी दिखाई, क्योंकि दिखानी तो चाहिए ना, मुझे तो पता है मेरा मेन जीमेल है और चलाकी नहीं दिखाऊंगा तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने चलाकी क्या दिखाई वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सुनो, उसने कहा, पहले मैंने कहा कि वीडियो कॉल पे करो, जो भी करना है मतलब साथ साथ में रह के करो, कॉल पे रह के करो, ठीक है। तो गाइस मैंने पहले दिया आईडी और जीमेल और मतलब जो पासवर्ड दिया मैंने वो दिया गलत, ठीक है, मैंने दिया गलत। और उस बंदे ने डाल के भी देखा, उसने बताया गलत है, ठीक है। तो वो कॉल पे रहा, गलत वगैरह मेरे को सब दिख रहा था कि उसने गलत जीमेल डाल रहा है, क्योंकि मैंने गलत ही दिया था, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा गलत है, तो मैंने सही दिया, क्योंकि मेरे अकाउंट पे हमेशा 2 या 3 वेरीफिकेशन लगे हैं, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी लगी हुई है, टाइट सिक्योरिटी लगी है मेरे अकाउंट पे। अगर कोई भी खोलने की कोशिश करेगा, किस फ़ोन में खुल रही है, कहाँ से खुल रही है, सब मेरे को पता लग जाता है, ठीक है, ऐसी सिक्योरिटी लगी पड़ी है, क्योंकि मेरा मेन जीमेल है, इसलिए ऐसे लगाना पड़ता है हर किसी को, आपको तो पता है यूट्यूबर्स खासकर लगा के रखते हैं। तो गाइस एक यूट्यूबर का भी हैक हुआ, जो कि बीवीएफ भैया का खास दोस्त था, कि उन दोनों ने चैनल साथ में शुरू किया था, ठीक है। तो उनकी भी स्टोरी कुछ अलग है, अगर जानना चाहते हो तो सजेस्ट मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर उनकी स्टोरी भी जानना चाहते हो। उनका मतलब 2.5 मिलियन था सब्सक्राइबर था, वो हैक हो गया उनका अकाउंट, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना कि 2.5 मिलियन कैसे हैक हो गया, उनका अकाउंट कैसे हैक हो गया, ठीक है। फिलहाल अभी मैं बता रहा था अपने बारे में। तो गाइज मैंने दिया उसको जीमेल और पासवर्ड, उसने गलत वगैरह बताया, फिर मैंने उसको दे दिया सही वाला, ठीक है। तो मैंने चलाकी क्या बरती, मैंने गूगल पे मतलब वो खोल रखा था चेंज पासवर्ड वाला, वहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के रखा था और वहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट दबाना था, मेरा पासवर्ड चेंज होता है, ठीक है। मैंने खुद मतलब चलाकी दिखाई और जैसे मैंने जीमेल और पासवर्ड दिया, उस बंदे ने कॉल काट दिया, वहीं से मुझे पता लग गया भाई ये मेरी आईडी चली जाएगी अगर मैंने वहाँ पे नेक्स्ट ना किया तो। तो गाइज मैंने, अगर मैं थोड़ा भी टाइम लगा देता या फिर मैंने ये पहले से करके ना रखा होता, चेंज पासवर्ड वाला मतलब ऑप्शन ना लगा रखा होता, मतलब नेक्स्ट ना करता, तो गाइज ये मेरी आईडी चली जाती, ये मेरा अकाउंट चला जाता, मेरा फ्री फायर आईडी चली जाती, पूरा बर्बाद हो जाता जितनी भी मेरी मेहनत हुई है अभी से, शुरू से लेके अभी तक, ठीक है गाइज। तो फिलहाल जैसे ही मतलब उसने कॉल काटा, उसके बाद मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। तो गाइज उसको मतलब 2x-3x वेरिफिकेशन लगी थी, वो सब मैंने कंफर्म करा दिया था, उसको आईडी खुल भी गई थी, और जैसी खुली उस बंदे ने कॉल काट दिया और मैंने उसी टाइम नेक्स्ट करके अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। क्या हुआ इससे, होता क्या है, मतलब हुआ क्या, बस उसके वहाँ से अकाउंट रिमूव हो गया, ठीक है, जहाँ पे अकाउंट था ना वो रिमूव हो गया, और मेरे भाई के भी फ़ोन से रिमूव हो गया। तो उसने फ़ोन किया क्या हुआ, तो मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसा हुआ, ठीक है, और मैंने चेंज पासवर्ड कर दिया, ठीक है। तो उसने पासवर्ड मांगा और पासवर्ड मैंने दे दिया उसे, ठीक है।
और उसके उसने खोल लिया अपने, वो तो ठीक है चलो भाई का, भाई को बता दिए तो भाई कहता है तो आगे से ऐसे मत कियो, मैं तुझे पैसे दे दिया करूँगा, तू खुद कर लिया कर, वो मतलब किसी को दिया मत कर अकाउंट, मेरा तेरा मेन जीमेल है तेरे को भी पता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसे मेरे को मतलब सुनाया, दो तीन बातें सुनाई और फिर मतलब बोला कोई बात नहीं होता है, ठीक है। तो भाई उसने जब फ़ोन काट दिया ना, मुझे लगा ही था कि हैक हो सकती है, वो पासवर्ड चेंज कर देगा बंदा, ठीक है। तो मैंने उसी टाइम किया क्या, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। वो बंदा फिर से फ़ोन करके कहता कि भाई यहाँ पे पासवर्ड नहीं लग रहा है, पासवर्ड कैसे लगेगा जब मैंने चेंज ही कर दिया। उसके बाद मैंने उसको मना ही कर दिया, उसको मैंने हटा ही दिया वहाँ से, भाई साहब मैंने को नहीं खुलवाना है तो चले जा। उसको मैंने को शक हो गया था ना भाई साहब, जैसे उसने कॉल काट दिया, आईडी पासवर्ड खुलते उसने कॉल काट दिया, बंदे ने कहा था एक मिनट, भाई साहब मेरे को लगा ही था, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया। और दूसरी बात जो ग्रुप में हुई है, ग्रुप में हमारी बात हुई है, मतलब होता क्या है ज़्यादातर मैं ये बताने वाला हूँ कि होता क्या, आईडी हैक कैसे होती है तुम सब की। तो गाइज होता यूँ है कि आप सब हो कि डायमंड्स चाहिए, डायमंड्स चाहिए फ्री फायर में, सिर्फ डायमंड्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुमको, सिर्फ डायमंड्स चाहिए। भाई सब देखो तो सही, तुम्हारी अकाउंट जा रहा है किसी बंदे के पास, अकाउंट जा रहा है, अगर वो कुछ भी गलत कर देता है या फिर तुम्हारा मतलब कुछ भी गलत कर देता, मान लो कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे भी गलत कर देता, कहीं पे भी कर देता, गाइज वो तुम्हारा जीमेल है, तुम्हारे घर पे आएंगे वो सब, तुमने एड्रेस पूरा डाल रखा अपने जीमेल में, समझ रहे हो ना। फेक जीमेल एक अलग होता है और वो तुम्हारा खुद का जीमेल होता है जिसपे तुमने अकाउंट बनाया होता है, मुझे पता है किसी की फेक फेसबुक अकाउंट होती है और किसी का कुछ होता है यार, मतलब गलत हो जाता है, ठीक है। तो तुम सब एयर ड्रॉप खुलवाने के लालच में, या फिर पहले एयर ड्रॉप का बता देते हो, गाइस एयर ड्रॉप का तो सुन ही लिया, मेरा वाला हाल है। और जो डायमंड्स वाला है, तुम बंदा लिंक देता है कि भाई इस पर क्लिक कर तेरे को 800 डायमंड मिलेंगे तेरी आईडी में, भाई सब तुम क्लिक कर देते हो और आईडी पासवर्ड चला जाता है। उसके बाद कैसे चला जाता है मैं बताता हूँ, वहाँ पे वो लिंक खुद ही जनरेट किया रहता है, जैसे हम टीम कोड जनरेट करते हैं उसी तरीके से लिंक जनरेट होता है, खुद ही लिंक बनाया रखा होता है, जैसे अगर कोई भी बंदा क्लिक करके वहां पे आईडी पासवर्ड डालता है, रजिस्टर करता है। देखो आप लिंक पे क्लिक करके आपने कभी ऐसा तो किया ही होगा ना कि वहां पे आया होगा कितने डायमंड चाहिए, यहां पे अपनी आईडी पासवर्ड यूआईडी डालो या फिर अपने जीमेल डालो या फिर पासवर्ड डालो, यूआईडी डाल के जीमेल पासवर्ड तो मांगते ही होगा ना, तो आपने किया होगा और उसी के थ्रू जिस बंदे ने लिंक जनरेट किया है उसके बाद जीमेल और पासवर्ड चला जाता है, समझ गए, बस इतना ही होता है। और उसके बाद आप भी चलाओ चाहे वो भी चलाए, अब उसकी मर्जी है, वो पासवर्ड चेंज कर दे तो यहाँ से आपके फ़ोन से रिमूव हो जाती है, बस यही बात है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, एयर ड्रॉप खुलवाने वाला आपको समझा दिया और मैंने ये भी समझा दिया। तो गाइस मेरे साथ जो हुआ आपके साथ ना हो इसलिए मैंने बता दिया, मेरा बताने का मकसद यही था कि कभी यार अगर करना भी है तो गाइस पूरी सिक्योरिटी के साथ करना, अगर आपने एयर ड्रॉप किसी अनजान बंदे से खुलवाना भी है तो गाइस पूरी सिक्योरिटी के साथ करना, और मेरा मानना तो किसी लिंक पे क्लिक करना ही मत, क्योंकि मैं हर बार लाइव पे यही समझाता हूँ यार, लिंक किसी भी फेक लिंक पे मत क्लिक किया करो, नहीं तो बेकार में तुम्हारा सारी मेहनत चली जाएगी, ठीक है। तो गाइज वो 1.5 मिलियन और 2 मिलियन वाली कहानी मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी चली जाएगी और तुमको पता है भाई के पास नेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो इतनी जल्दी डलेगी नहीं, तो मैं इसी वीडियो में समझा देता, ठीक है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको वो 1.5 मिलियन वाली और 2 मिलियन वाली, मतलब 1.5-2 मिलियन के सब्सक्राइबर थे और वो अकाउंट कैसे हैक हुआ, मतलब YouTube कैसे हैक हुआ, YouTube अकाउंट कैसे हैक हुआ, वो भी समझा दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज कर देना लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय गाइज। डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे है, और आप मेरे से मतलब पर्सनली चैट करना चाहते हैं या फिर मेरे कॉन्टैक्ट में आना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। डिस्कॉर्ड का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो भाई लोग।